नेपाल दे हथियारबंद बल ने भारतीय सरहद नाल लगदे अपने इलाके चो भारतीय नागरिकां नूं निशाना बना के अन्नेवाह फायरिंग कर दिती। इस च एक भारती दी मौत हो गई है ते दो जख्मी हन। APF ने बॉर्डर इलाके नाल लगदे व्यक्ति नूं वी बंधक बना लिया। नेपाल दी इस कारवाई तो बाद बॉर्डर ते तनाव वध गया। दोवें देशां दे सीनियर अधिकारी सरहद ते पुज के कैंप कर रहे ने। उत्थे बिहार ग्राम भाग वल्लों पूरे मामले दी रिपोर्ट शुक्रवार नूं केंद्र सरकार नूं भेज दिती गई है। घटना शुक्रवार करीब सवेरे 8:30 बजे सोन बरसा थाना दे इलाके दी है। पिंड वालों की मनीए तो नेपाल वालों 18 राउंड फायरिंग की गई। मृतक की पछाण जानकी नगर टोला लालबंदी निवासी 25 साल विकेश कुमार वजो हुई है। उत्थे उमेश राम ते उदय शर्मा जख्मी हुए ने। बंधक बनाए गए व्यक्ति की पछाण लगन राय वजो हुई है। सीतामढ़ी के SP अनिल कुमार ने दसिया कि APF की कार्रवाई चो एक भारती की मौत हो गई है, दो लोग जख्मी हो गए हैं जबकि एक नूं बंधक बना लिया गया। तनाव भरे माहौल में देखद्या DM अभिलाषा कुमारी शर्मा ने पुलिस से SSB के अधिकारियों को बॉर्डर के हालात पर नज़र रखने लिए कहा। इस संबंधी जानकारी देते हुए बिहार के सीतामढ़ी के SP अनिल कुमार ने कहा, आज सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में सोनबरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जानकी नगर के क्रॉस जो नेपाल का इलाका है उसमें यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और नेपाल की जो SPF है उसके बीच में झड़प हुई है। उसमें नेपाल के SPF के द्वारा जो फायरिंग हुई है उसमें एक व्यक्ति जितेश राय की मृत्यु हुई है, दो अलग घायल हैं, घायल का इलाज किया जा रहा है, लोग आउट ऑफ डेंजर हैं। और इसमें वहाँ पे SSB और जिले के सीनियर पदाधिकारी कैंप करके इसमें जाँच कर रहे हैं पूरी विस्तृत रूप से। फिर इसके बारे में एक व्यक्ति के द्वारा को उधर से डिटेन करने के लिए ब्यूरो रिपोर्ट विजन पंजाब टीवी।